जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से भी खास बातचीत की है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता संदीप मिश्रा ने बाबू सिंह कुशवाहा ने 24 की तैयारियों को लेकर कहा है कि जल्द ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति की राजनीतिकार कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा आज हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए, और बहुत से ऐसी राजनीति के जो पहलू हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा का एक जो चेहरा है, एक जो नाम है, वो काफ़ी चर्चित रहा है उत्तर प्रदेश की। अगर हम राजनीति की अगर बात करते हैं, सर लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से जो पार्टियाँ तैयारी कर रही हैं, कुछ लोग दल बदल करके दूसरे दल में जा रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या और भी जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। उधर आप बात करते हैं तो 26 दलों को मिला करके एक इंडिया एक बड़ा संगठन बनता है, फिर उसके बाद 38 दलों की और बैठक होती है, एनडीए की बैठक होती है, तो कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, 24 का जो चुनाव है वो बहुत कुछ लेके आएगा और बहुत कुछ दे के जाएगा। मेरी समझ से जो लोकसभा 24 का चुनाव होने वाला है देश में, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का संविधान लागू हो, उसमें वो लोग भी शामिल हैं